Very good morning students, welcome to the class. We are doing chapter number 13 in your SST book, that is important cities, जिसमें हम इंडिया की कुछ important cities को discuss कर रहे हैं, study कर रहे हैं. Right, start किया था हमने दिल्ली से. ठीक है, इसकी location हमने देखी थी कि location कहाँ पे है दिल्ली की. आज हम इसके climate, people, language, festivals, इन सब चीज़ों को study करेंगे. So open your SST book, page number 82. दिल्ली के बारे में हम कंटिन्यू रखेंगे आज की क्लास में. ठीक है, लोकेशन आपको पता चल गई कहाँ पे सिचुएटेड है ये. ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना, इट शेयर्स इट्स बॉर्डर विद उत्तर प्रदेश इन ईस्ट एंड विद हरियाणा ऑन द अदर थ्री साइड्स. ठीक है, अब क्लाइमेट देख लेते हैं. दिल्ली इज़ वेरी हॉट इन समर्स, गर्मियों में दिल्ली का जो क्लाइमेट होता है वो बहुत ही गर्म होता है. हॉट ड्राई विंड्स कॉल्ड लू ब्लो ड्यूरिंग द समर्स, गर्मियों के समय में बहुत गर्म जो गर्म और ड्राई जो हवा होती है जिनको हम लू कहते हैं वो चलती हैं. ठीक है, विंटर्स आर कोल्ड एंड चिली, सर्दियाँ बहुत ठंडी और चिली मतलब बहुत ज़्यादा कपकपाने वाली होती है. जुलाई एंड अगस्त आर रेनी मंथ्स, जुलाई और अगस्त जो है बारिश के महीने हैं. तो ये टोटल जो है क्लाइमेट है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ठंड में बहुत ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं, जुलाई अगस्त में बारिश होती है. ठीक है, People and languages. Delhi is often called mini India. Delhi को अक्सर क्या कहा जाता है, mini India, छोटा इंडिया कहा जाता है. क्यों? Because people from different parts of India can be seen here. Mini India क्यों कहा जाता है दिल्ली को, क्योंकि भारत के अलग अलग पार्ट से आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हैं कि अलग अलग जगह से लोग आके यहाँ पे रहते हैं, इसलिए इसको मिनी इंडिया कहा जाता है. हर जगह से भारत के कोने कोने से लोग आके यहाँ पे बसे हुए हैं. दे लिव एंड वर्क हेयर, ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रहते हैं और काम करते हैं. कुछ लोग जो है यहाँ पे घर बना के रह रहे हैं, कामकाज करते हैं, कुछ लोग सिर्फ काम के लिए यहाँ पे रहते हैं. ठीक है, पीपल वियर बोथ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न क्लोथ्स, लोग जो हैं ट्रेडिशनल कपड़े भी पहनते हैं और मॉडर्न क्लोथ्स भी पहनते हैं. मैन वियर ट्राउजर्स शर्ट्स जीन्स कुर्ता पजामा, मैन पुरुष क्या क्या पहनते हैं, ट्राउजर्स पैंट पहनते हैं, शर्ट जीन्स कुर्ता पजामा. वाइल वीमेन वियर सलवार कमीज साड़ी जीन्स स्कर्ट एंड अदर ड्रेसेस, महिलाएं क्या क्या पहनती हैं, सलवार कमीज साड़ी जीन्स स्कर्ट और दूसरी ड्रेसेस पहनती हैं. तो मॉडर्न कपड़े भी पहनते हैं, ट्रेडिशनल कपड़े भी पहनते हैं यहाँ पे लोग. ठीक है, पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस लाइक हिंदी पंजाबी एंड उर्दू, अब अलग अलग जगह के लोग रहते हैं तो भाषाएं भी अलग अलग हैं, ज़्यादातर लोग जो है हिंदी पंजाबी या फिर उर्दू बोलते हैं. ठीक है, ये हो गए पीपल एंड लैंग्वेज के किस तरीके के लोग रहते हैं, किस तरीके की भाषाएं बोलते हैं, कपड़े पहनते हैं, वो सब आपको समझ में आए. मिनी इंडिया कहा जाता है दिल्ली को क्योंकि देश के अलग अलग कोने से आके लोग यहाँ पे रहते हैं, काम करते हैं और रहते हैं. फेस्टिवल्स देख लेते हैं. एज पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स लिव हेयर ऑलमोस्ट ऑल फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन दिस सिटी, क्योंकि अलग अलग धर्मों के लोग यहाँ पे रहते हैं, क्योंकि अलग अलग जगह से आए हुए होते हैं तो अलग अलग जो है धर्म के भी होंगे, तो इसलिए हर एक जो इम्पोर्टेंट होता है ऑलमोस्ट सभी जो फेस्टिवल्स हैं यहाँ पे दिल्ली में जो है सेलिब्रेट किए जाते हैं, क्योंकि अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं इसलिए लगभग सभी फेस्टिवल जो भी भारत में मनाए जाते हैं वो सभी दिल्ली में मनाए जाते हैं. दिवाली होली दशहरा ईद आर सम ऑफ द रिलीजियस फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड हेयर, कुछ जो है धार्मिक फेस्टिवल्स जैसे कि दिवाली होली दशहरा ईद ये सब जो है यहाँ पे दिल्ली में जो है सेलिब्रेट किए जाते हैं. अ ग्रैंड परेड ऑन रिपब्लिक डे इज हेल्ड एट राजपथ एवरी ईयर, रिपब्लिक डे आपको पता है 26 जनवरी को होता है, उस समय क्या होता है एक बहुत बड़ी परेड जो है राजपथ पे हर साल निकाली जाती है. आपने टीवी पे जरूर देखी होगी जहाँ पे क्या होता है लाल किले पे जो है लाल किले से जो है एड्रेस करते हैं हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, और राजपथ पे एक बहुत ग्रैंड परेड जो है रिपब्लिक डे पे निकाली जाती है. ठीक है, ये हो गए फेस्टिवल, लगभग सभी फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं. फूड, खाना किस तरीके का है, दिल्ली इज़ फेमस फॉर इट्स रिच एंड स्पाइसी फूड, स्पेशली पराठास छोले भटूरे कबाब्स निहारी बटर चिकन एंड चाट. दिल्ली जो है अपने बहुत ही रिच और स्पाइसी मसालेदार फूड के लिए जो है फेमस है, जिसमें क्या क्या आता है स्पेशली पराठों के लिए फेमस है, छोले भटूरे कबाब निहारी बटर चिकन और चाट, इन सब खानों के लिए दिल्ली जो है बहुत ही फेमस है. ये सारे क्या है स्पाइसी और रिच फूड हैं.
अब हम देखते हैं गवर्नमेंट यानी कि सरकार किस तरीके की है। दिल्ली इज द सीट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि दिल्ली क्या है, हमारे देश की राष्ट्रीय राजधानी है, तो सीट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारा केंद्रीय सरकार है वो यहीं पे बैठती है, यानी कि सरकार के जो इम्पोर्टेंट ऑफिसेज हैं वो सारे दिल्ली में ही हैं, क्योंकि दिल्ली क्या है, हमारे देश की कैपिटल है। द सेंट्रल सेक्रेटरीट एंड द पार्लियामेंट आर ऑल्सो लोकेटेड हेयर, जो सेंट्रल सेक्रेटरीट है जहाँ पे सारे इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट जो है ऑफिसेज हैं, और जो हमारे देश की पार्लियामेंट है, ठीक है, संसद है, वो भी दिल्ली में ही है। द पार्लियामेंट मेक्स लॉज फॉर द कंट्री, पार्लियामेंट का क्या काम होता है, वो देश के लिए कानून बनाती है कि लोगों को कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हर चीज़ के बारे में कानून बनाता है कौन, हमारे देश की जो पार्लियामेंट है, जो संसद है वो। द प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड ऑल कैबिनेट मिनिस्टर्स लिव इन इंडिया, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स कौन होंगे, जो अलग अलग डिपार्टमेंट के मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे कि एडुकेशन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ये सब कहाँ रहते हैं, ये दिल्ली में ही रहते हैं, क्योंकि दिल्ली से ही सरकार चलती है, तो इनके ऑफिसेज भी यही होते हैं और ये लोग रहते भी यहीं पे हैं, प्रेसिडेंट भी, प्राइम मिनिस्टर भी, और जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो सभी दिल्ली में रहते हैं, ठीक है। द रेजिडेंस ऑफ प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज नोन एज द राष्ट्रपति भवन, प्रेजिडेंट के घर को जहाँ पे प्रेजिडेंट रहते हैं, ठीक है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, राष्ट्रपति भवन के नाम से जानते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति भवन क्या है, रेजिडेंस है हमारे प्रेसिडेंट का, हमारे राष्ट्रपति का घर है, ठीक है, हमारे राष्ट्रपति यहाँ पे रहते हैं, तो जो भी राष्ट्रपति बनता है वो कहाँ पे रहेगा, वो राष्ट्रपति भवन में रहते हैं, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ अदर कंट्रीज ऑल्सो हैव देयर ऑफिसेज हेयर, दूसरी जो कंट्रीज हैं उनकी सरकारों के ऑफिसेज भी यहाँ पे हैं, दीज आर नोन एज एम्बेसीज और हाई कमीशंस, इनको हम क्या कहते हैं, देखो अलग अलग कंट्री के जो है एम्बेसडर या कमिश्नर्स भारत में रहते हैं, तो उनके जो ऑफिसेज हैं, जैसे पाकिस्तान का, श्रीलंका का, चाइना का, US का, जिन इनके सारे एम्बेसीज या हाई कमीशन हम इनको बोलते हैं, ये सब भी कहाँ लोकेटेड हैं, दिल्ली में ही लोकेटेड है, अलग अलग हमारी भारत की भी जो है ऑफिसेज या एम्बेसीज जिसको हम बोलेंगे वो दूसरी कंट्रीज़ में है, और दूसरी कंट्रीज़ के ऑफिसेज जिनको हम एम्बेसीज या हाई कमीशन बोलते हैं वो दिल्ली में हैं, ठीक है। फेमस प्लेसेस टू विजिट, कौन कौन से फेमस प्लेसेस हैं जहाँ पे लोग जो है विजिट कर सकते हैं, दिल्ली हैज़ मैनी फेमस मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस टू विजिट, दिल्ली में क्या है, बहुत सारे जो है फेमस मॉन्यूमेंट्स हैं, कुछ ऐसी इमारतें हैं जहाँ पे लोग जाना पसंद करते हैं, और कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे लोग जो है विजिट कर सकते हैं। थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट केम टू दिल्ली एवरी ईयर टू विजिट दीज प्लेसेस, हजारों जो टूरिस्ट कौन होते हैं, जो घूमने फिरने पर्यटन करने आते हैं, पर्यटक जिनको हम बोलते हैं, ठीक है, जो अगर आप मान लो आप जो है हरियाणा से दिल्ली घूमने जाते हो तो आप क्या हो, टूरिस्ट हो, आप शिमला जाते हो घूमने के लिए तो आप क्या हो, टूरिस्ट हो, ठीक है, वहाँ पे आपको क्या कहेंगे, टूरिस्ट, ठीक है, तो हजारों टूरिस्ट जो है दिल्ली में आते हैं इन सारी प्लेसेस पे विजिट करने के लिए, इनको देखने के लिए। सम ऑफ द मोस्ट फेमस वंस आर, इनमें से कुछ जो फेमस प्लेसेस हैं वो कौन कौन से हैं, द रेड फोर्ट और लाल किला, ठीक है, रेड फोर्ट जिसको हम लाल किला भी कहते हैं, इज़ अ ब्यूटीफुल फोर्ट बिल्ट इन रेड सैंडस्टोन, लाल जो संगमरमर के पत्थरों से बना हुआ एक बहुत ही सुंदर फोर्ट है, एक किला है लाल किला। इट सर्व्ड एज अ रेजिडेंस ऑफ फोर मुगल एम्परर्स फॉर अबाउट 200 ईयर्स, 200 सालों तक ये किसका घर था, मुगल एम्परर्स का, मुगल जो शासक थे वो शासक जो है यहाँ पे रहते थे, ठीक है, रेड फोर्ट जो है मुगल शासकों का घर हुआ करता था, रेजिडेंस हुआ करता था। इट वॉज बिल्ट बाय शाहजहां, रेड फोर्ट को किसने बनाया था, शाहजहां ने बनाया था, ठीक है। इसके अलावा क्या है, कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार इज अ 73 मीटर टॉल ब्रिक मीनार, ईंटों की बनी हुई, ब्रिक होता है ईंट, ईंट की बनी हुई एक माइनरेट है, मतलब एक मीनार है जो कि 73 मीटर ऊंची है, बहुत लंबी है ना कुतुब मीनार, आपने जरूर देखी होगी अगर आप दिल्ली गए होंगे तो। इट्स कंस्ट्रक्शन वॉज स्टार्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, फाउंडर ऑफ द दिल्ली सल्तनत, इसकी कंस्ट्रक्शन यानी कि इसका निर्माण किसने शुरू करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था, जो कि क्या थे, दिल्ली सल्तनत के फाउंडर थे, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की थी, सबसे पहले जो दिल्ली के सुल्तान थे जिनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, इन्होंने कुतुब मीनार बनवाना शुरू किया था।
ठीक है। इसके अलावा इंडिया गेट है, दो पढ़ लिया हमने, एक तो रेड फोर्ट जिसको लाल किला भी कहते हैं, दूसरा कुतुब मीनार, तीसरा है आपका इंडिया गेट। आई होप आप में से बहुत सारे लोगों ने इंडिया गेट देखा होगा। इंडिया गेट इज अ मेमोरियल फॉर मार्टर्स ऑफ वर्ल्ड वॉर वन एंड द वॉर इन द अफगानिस्तान। इंडिया गेट क्या है, किसकी याद में बनाया गया है, जो लोग वर्ल्ड वॉर वन विश्व युद्ध वन फर्स्ट जो हुआ था उसकी उसमें जो लोग मारे गए थे उनकी याद में, और अफगानिस्तान में जो वॉर हुई थी उस पर मारे गए लोगों की याद में इंडिया गेट को बनाया गया है। इट इज़ लोकेटेड ऑन राजपथ, कहाँ पे बना है ये भवन, राजपथ पे बनाया गया है इंडिया गेट को। द रोड दैट लीड्स टू द राष्ट्रपति भवन, राजपथ वो रोड है जो जहाँ से जो रास्ता है राष्ट्रपति भवन की ओर जाता है उस रास्ते को हम राजपथ कहते हैं, जहाँ से जो परेड है रिपब्लिक डे पे जो इंडिया परेड है वो वहाँ से गुजरती है। अ फ्लेम कॉल्ड द अमर जवान ज्योति ऑलवेज कीप्स बर्निंग हियर, एक ज्योति जिसको हम अमर जवान ज्योति कहते हैं, ऐसी फ्लेम जो कि 24 घंटे जलती रहती है वो कहाँ पे है, इंडिया गेट में ही है, जिसको हम अमर जवान ज्योति कहते हैं, ये हमेशा जलती रहती है। इसके अलावा क्या है देखने वाली जगह, यहाँ पे हुमायूं टॉम्ब है, हुमायूं का मकबरा है एंड जंतर मंतर है, आर ऑल्सो वाइडली विजिटेड टूरिस्ट स्पॉट्स इन दिल्ली। हुमायूं टॉम्ब और जंतर मंतर दो ऐसी जगह है जहाँ पे अक्सर टूरिस्ट जो है जाना पसंद करते हैं। राजघाट और द समाधि ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी की समाधि स्थल जहाँ पे है जिसको हम राजघाट कहते हैं, कैन ऑल्सो भी सीन इन दिल्ली, वो भी कहाँ पे है, दिल्ली में ही है। अदर प्लेसेस ऑफ विजिट इन दिल्ली इंक्लूड हौजखास विलेज, इसके अलावा दिल्ली में और कौन कौन से प्लेसेस है जहाँ पे लोग जो है विजिट कर सकते हैं, हौजखास विलेज है, नेहरू प्लानिटेरियम है जहाँ पे आप जाके जो है बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, बच्चों के लिए भी बहुत एजुकेशनल चीज़ें वहाँ पे होती हैं, लोधी गार्डन्स है, नेशनल रेल म्यूजियम है एंड डॉल हाउस है, ये कुछ और जगह है जहाँ जाके आप जो है विजिट कर सकते हैं, टूरिस्ट जो है विजिट कर सकते हैं। ठीक है, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, यहाँ तक आप पढ़ते हैं, ठीक है।